नंद महल छोड़ करके आ जाऊँ। तो वसुदेव जी वैसा ही करते हैं जैसा श्री कृष्ण ने कहा था। तो वहाँ पर एक कन्या सो रही थी, उस कन्या को उठाते हैं, टोकरी में बिठाते हैं और वापस आने लगते हैं। जैसे ही वापस आते हैं, कारागार में आते हैं, द्वार बंद हो गए हैं, पहरेदार नींद से जागते हैं, कंस नींद से जागते हैं। तो जैसे ही पहरेदार नींद से जागे तो एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। महाराज पहरेदार दौड़े दौड़े कंस के पास गए हैं। कहते हैं महाराज देवकी की आठवीं संतान ने जन्म ले लिया है, कंस की नींद उड़ गई है, तलवार उठाई और दौड़ा दौड़ा जाता है, कारागार में पहुंचता है। देवकी से कहता है बता तेरी आठवीं संतान कहाँ है। देवकी विलखते हुए कहती है इसे तो छोड़ दो, अरे बाकी की संतानों का तो वध कर ही चुके हो, इसे तो छोड़ दो, तुम्हारी भांजी है। महाराज कंस किसी की नहीं सुन रहा है। कंस कहता है कि देखो आकाशवाणी हुई थी, कहा था कि तुम्हारी आठवीं संतान मेरा वध करेगी, ये आठवीं संतान है इसे कैसे छोड़ दूं, अरे जब पहले की संतानों को नहीं छोड़ा तो इसे क्यों छोड़ूं। तब कंस बड़े ही क्रूरता के साथ उस संतान को छुड़ा लेता है। जैसे ही उसे जमीन पर पटकने जाता है तो वो कन्या अपना स्वरूप बढ़ा करके दिखाती है। अब आकाश में से वो अपना स्वरूप दिखाते हुए कहती है कह रहे मूर्ख मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो कब का जन्म ले चुका है। ये बोल करके योग माया अंतर ध्यान हो गई। कंस बड़ा परेशान है, अपने मंत्रियों को बुलाता है, सारी बातें बताई है। कंस कहता है कि उन्होंने मुझसे ये सब बातें कही हैं, क्या सच में मुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। तब महाराज ये सुन करके मंत्रीगण कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, एक काम करते हैं ब्रज मंडल में जितने भी छोटे छोटे शिशु हैं, नवजात शिशु हैं, उन सभी का हम वध कर देते हैं, तो उसमें से जो आपको मारने वाला होगा उसका भी वध हो जाएगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो। तो कंस को ये बात जम जाती है। अब यहां पर नंद महल में आनंद उत्सव चल रहा है, सब बड़े आनंद में है। तब महाराज नंद बाबा प्रसन्न होकर के 200,000 गाय दान में देते हैं, धन आभूषण ये सब दान में दे दिए हैं। आज इतने ज्यादा प्रसन्न हैं कि पूछिए ही मत। नंद भवन नहीं लग रहा है, सारे गोप गोपी ग्वाल बाले सभी मिलकर के आनंद उत्सव मना रहे हैं। जहां से नजर पड़ रही है गोपियां दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं, हर तरफ से गोपियां आ रही हैं, नंद बाबा यशोदा मैया को बधाई देने के लिए आ रहे हैं। छोटे से कन्हैया पालने में सो रहे हैं, झूल रहे हैं। तब महाराज कंस यहां पर प्रयास कर रहा है कि ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे मुझे ये पता चल जाए कि मुझे मारने वाला कौन है। मंत्रियों को बार बार बुला रहा है, बैठकें कर रहा है। तब निर्णय लेता है कि जितने भी संतानें इस ब्रजमंडल में हैं, नवजात शिशु हैं, उन सभी का वध करना ही उचित होगा। तब महाराज कंस के जो मंत्री हैं वो कई राक्षसों को भेजते हैं। तब ब्रज मंडल में वो एक पूतना नामक राक्षसी को भेजते हैं जो कि एक सुंदर सी स्त्री का वेश धारण करके जाती है। अब जैसे ही वो नंद महल के पास पहुंचती है तो पूतना देख रही है कि छोटे से कन्हैया पालने में झूला झूल रहे हैं, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं क्योंकि आनंद उत्सव चल रहा है,
आज ऐसा लग रहा है कि नंद भवन नहीं रहा। ऐसा लग रहा है मानो क्षीर सागर हो गया है, जिसमें श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण के रूप में बैठे हुए हैं। सारे गोपी ग्वाले सारे जितने भी लोग वहां पर हैं बहुत आनंदमय हैं। तो पूतना वहां पर जाती है। अब देखिए यशोदा मैया आज सभी को कन्हैया से मिलने दे रही है, क्योंकि आनंद का घर है, उत्सव का घर है, तो इसलिए वो सभी को कन्हैया के पास आने दे रही है। तो जैसी पूतना आती है, सुंदर स्त्री का वेश धारण करा है, तो पूतना यशोदा मैया से कहती है कि मुझे पता लगा कि आपके यहाँ पर बुढ़ापे में एक बच्चे ने जन्म लिया है। मैंने कहा चलो भाई बधाई देकर के आ जाती हूँ, तो इसलिए मैं आपको बधाई देने चली आई। यशोदा मैया कहती है अच्छा करा आपने। तो पूतना धीरे धीरे श्री कृष्ण के पास आ रही है। अब पूतना ने अपने स्तन पर विष का लेप लगा करके आई है। तो जैसे ही वो श्री कृष्ण के पास आती है तो ठाकुर जी तिरछी निगाहों से देख लेते हैं कि पूतना आ रही है। अब जैसे ही पूतना को देखा तो ठाकुर जी नेत्र बंद कर लेते हैं। अब भगवान के नेत्र बंद करने के कई कारण बताए गए हैं। भगवान सोचते हैं अभी तो जन्म लिया है, अभी तो अवतार लिया है, और अभी से मुझे लीला रचनी पड़ेगी, अभी से मुझे राक्षसों का उद्धार करना पड़ेगा। तो पूतना धीरे धीरे भगवान के पास आ रही है। तो यशोदा मैया पूतना से बातें करती हैं और धीरे धीरे वो वहाँ से अपने रसोई घर की तरफ चली गई हैं बात करते करते। अब यशोदा मैया तो रसोई घर में चली गई हैं, तो पूतना सोचती है ये समय उचित है। तो पूतना श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लेती है। अब महाराज भगवान सबसे पहले उसके विष को पीते हैं, जो वो विष का लेप लगा करके आई थी। तो जब वो स्तनपान कराती है तो सबसे पहले भगवान उसके विष को पीते हैं। विष पीने के बाद दुग्ध पान करते हैं, और अब दुग्ध पान करने के बाद भगवान उसके प्राणों को पीना आरंभ कर देते हैं। अब भगवान पूतना के जैसे ही प्राणों को पीना आरंभ करते हैं तो पूतना को बड़ी पीड़ा हो रही है। इतनी पीड़ा में है कि उसे ऐसा लग रहा है कि मानो कब मैं यहां से दूर चली जाऊं। तो पूतना चिल्लाती हुई वन की तरफ जाती है। वन में जाकर के जैसे ही भगवान उसके प्राणों को पी लेते हैं तो बहुत पीड़ा होती है, वो अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। क्योंकि देखिए वो राक्षसी थी, बहुत विशाल स्वरूप था। तो पूतना अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई है। तो जैसे ही भगवान उसके प्राणों को पीते हैं पूतना धड़ाम से पृथ्वी पर गिर गई है। देखिए राक्षसी थी, विशाल स्वरूप था, जब वो गिरती है तो बहुत जोर से आवाज आती है। यशोदा मैया सबसे पहले पालने में देखती हैं, पालने में कन्हैया नहीं है। यशोदा मैया बड़ी घबरा गई है, दौड़ी दौड़ी जाती है, नंद बाबा दौड़े दौड़े जा रहे हैं, गोप गोपियां ग्वाल बाले सब दौड़े दौड़े जा रहे हैं। नजर पड़ती है एक इतनी विशाल राक्षसी के ऊपर छोटे से ठाकुर जी बैठे हुए हैं, अंगूठा चूस रहे हैं। यशोदा मैया देखती हैं आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या, अरे इतना सा बालक है मेरा, इतनी बड़ी राक्षसी के ऊपर बैठा है। इतनी ज्यादा घबरा गई है, तुरंत गोद में लिया, गले से लगा लिया है। यशोदा मैया घबरा गई है, नंद बाबा भी घबरा गए हैं, क्योंकि महाराज स्वाभाविक है कि एक छोटा सा बालक इतनी विशाल राक्षसी पे बैठा हो, कैसे नहीं घबराएगा कोई। तो यशोदा मैया बहुत घबरा गई हैं। यशोदा मैया सोचती हैं कि शायद मेरे लाला को किसी की नजर लग गई है। तो सोचती हैं अब कुछ दिन तक किसी को दर्शन नहीं करने दूंगी, किसी को इसके पास नहीं आने दूंगी,
कि जब इससे कोई भेंट करने आता है, इतना सुंदर है, सब नजर लगा देते हैं। तो इसलिए अब कुछ दिन यही सही रहेगा, किसके दर्शन किसी को ना करने दो। तब महाराज यशोदा मैया ऐलान करवा देती हैं कि आज से कोई भी मेरे लाला के दर्शन नहीं करेगा। अरे यहां पर तो भोले बाबा दर्शन करने ही आ रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने कल भी कहा था कि भोले बाबा पहले से ही मथुरा में आ गए हैं कि उन्हें भगवान के दर्शन करना है। तो अब नंद महल पहुंचते हैं कि भोले बाबा सच में बहुत भोले हैं, साधु का वेश धारण कर लिया है पर गले में सर्प 2400 घंटे रहता है। तो भोले बाबा यशोदा मैया के महल के बाहर खड़े हैं और उसके कुछ समय पहले ही मैया ने ऐलान करवा दिया है कि कोई भी मेरे लाल के दर्शन नहीं करेगा। तो भोले बाबा आवाज लगाते हैं कि यशोदा मैया, अरे ओ यशोदा मैया। यशोदा मैया बाहर आती है, द्वार खोले तो सबसे पहले तो यशोदा मैया ही रूप देखकर घबरा गई है, ये कैसे साधु है, अरे गले में सर्प लटका हुआ है। मैया दूर से ही कहती है, क्या काम है? भोले बाबा कहते हैं आपके लाल के दर्शन करा दो। मैया कहवे नहीं हो सके। भोले बाबा कहवे दर्शन करा दो अच्छा होगा, अरे बहुत दूर से आया हूं। मैया मन ही मन सोच रही हैं, यदि मेरे लाल नयन के दर्शन कर लिए वो डर जाएगा, गले में सर्प है, भयानक सा स्वरूप है। तो मैया कहती है माफ करना, क्षमा करना, पर मैं अपने लाल के दर्शन आपको नहीं करा सकती। भोले बाबा कहते हैं करा दीजिए, अरे कब से इंतजार में बैठा हूं मैं तो कि मैं उनके दर्शन कर सकूं।